आपके मोबाइल फोन से लेके आपके लैपटॉप तक, आपके जो कार है कार की बैटरी से लेके आपकी घर की जो बैटरी है पावर बैंक है वहां तक, इवन आपके रिस्ट वॉच से लेके स्पेस तक हम लोगों को बैटरी की जरूरत पड़ती है। बैटरी हमारे जीवन का एक ऐसा अंग हो चुकी है कि जीवन की कल्पना जो है विदाउट बैटरी के आज की डेट में असंभव सी लगती है। तो बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारी डेवलपमेंट कंपनियां, बहुत सारी रिसर्च कंपनियां लेटेस्ट टाइप की बैटरी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कंटिन्यू जो है वो करती रहती हैं। हाई लाइफ, मेंटेनेंस फ्री, हाई डेंसिटी बैटरी हम लोगों को मिल सके, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हो और हमारे ह्यूमन बॉडी पे कहीं कोई हार्मफुल जो है इफेक्ट उसका ना पड़ता हो। तो इसी तरह की एक बैटरी टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी चर्चाओं में है, यह है सोडियम आयन बैटरी। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपकी बैटरी जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है या आपको नए बैटरी बैंक पे जाना है और आप सोच रहे हैं कि अब आपको सोडियम आयन बैटरी लेनी है, इस बैटरी की प्राइसिंग है बहुत कम, लाइफ बहुत ज्यादा, मेंटेनेंस फ्री और इतने सारे फीचर्स आपको इस बैटरी में देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको सोडियम आयन जो है बैटरी के साथ में जाना है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कंपैरिजन करने वाला हूं कि सोडियम आयन वर्सेस लिथियम आयन वर्सेस लिथियम फॉस्फेट, कि अगर आपको अपनी कार के लिए, अपने घर के लिए, अपने कॉमर्शियल या डोमेस्टिक यूज के लिए बैटरी चाहिए तो आपको किस बैटरी के साथ में जाना चाहिए, कौन सी बैटरी की कितनी कीमत रहने वाली है, कहां से आपको ये बैटरी मिलने वाली है, इस बैटरी के क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, किस बैटरी का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको खुद से ये समझ आ जाएगा कि आपके घर के लिए कौन सी बैटरी परफेक्ट जो है वो चॉइस बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आज की डेट में इंडिया में जो सबसे ज्यादा मार्केट पे कब्जा है वो है लेड एसिड बैटरी का। और लेड एसिड में कई सारी टेक्नोलॉजी आपने देखी होंगी, जिसमें वीआरएलए बैटरी है, एसएमएफ बैटरी है, जेल बैटरी है, सुपर कैपेसिटर बैटरी भी आपने देखी होगी, और लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट तो आज की डेट में मोस्ट कॉमन जो है वो बैटरी हो चुकी है। तो इसमें से जितनी टाइप की बैटरी मैंने आपको बताई, ये सब मार्केट में इंडिया में अवेलेबल है और सबके अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज हैं। पर मार्केट की जो लीडर है वो दो टाइप की बैटरी है, जिसमें है लेड एसिड और लिथियम फॉस्फेट बैटरी। पर तीसरी बैटरी जो है इनको टक्कर देने के लिए आ रही है, जिसका नाम है सोडियम आयन। तो सोडियम आयन बैटरी से कंपेयर करते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी को और देखते हैं कि कौन सी बैटरी आपके घर के, आपकी जूतों के हिसाब से परफेक्ट बैठती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी जगह में कितनी एनर्जी को बैटरी स्टोर कर सकती है। अब जैसे लेड एसिड बैटरी है हमारी, तो लेड एसिड बैटरी क्या है, काफी बल्की होती है और लेड एसिड बैटरी में अगर हमें 1000 वॉट डालना है तो 1000 वॉट डालने के लिए हमें काफी बड़ा स्पेस चाहिए, अगर हम लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करें तो। 1000 वॉट की बैटरी लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट की हम बनाएं तो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले एक चौथाई जो है केवल जगह खर्च होने वाली है। तो सेम जो है सोडियम आयन बैटरी के साथ है, सोडियम आयन जो बैटरी है वो एक लो डेंसिटी बैटरी है। इसका मतलब ये है कि सोडियम आयन बैटरी में एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोगों को लेड एसिड बैटरी के बराबर या उससे थोड़ी बहुत कम जगह लगने वाली है। लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट बैटरी में आप कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, पर सोडियम आयन बैटरी में आपको ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोग इस बैटरी को कार में इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं तो कार में इस्तेमाल करने के लिए ये बैटरी जो है परफेक्ट नहीं रह जाती है। रीजन ये है कि कार में जितनी ज्यादा बल्की बैटरी होगी, कार का जो है वेट बढ़ेगा और जैसे कार का वेट बढ़ेगा कार का माइलेज जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अब कार में स्पेस भी हम लोगों को ज्यादा लगने वाला है तो ये बैटरी डेंसिटी के मामले में लिथियम फॉस्फेट बैटरी के सामने नहीं टिकती है। तो अगर आप अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं और आपके पास में कोई स्पेस का इशू नहीं है तो फिर आप सोडियम आयन बैटरी के साथ में जा सकते हैं। पर अगर आपको एक लो स्पेस में एक हाई एनर्जी की बैटरी चाहिए तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी के सिवा आज की डेट में और आने वाले अभी एक दो साल कोई और विकल्प नहीं रह जाता है। तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी जो है वो सोडियम आयन बैटरी को डेंसिटी के मामले में कड़ी टक्कर जो है वो दे रही है।
तो यहाँ पे मैं अगर एनर्जी स्टोरेज में एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो आप ऐसे समझिए कि सोडियम आयन जो बैटरी है वो एक गुब्बारे की तरह है कि जिस गुब्बारे में 1 लीटर जो है वो पानी आ जाएगा। मतलब कि 1 लीटर पानी अगर आपको एक गुब्बारे में भरना है तो आप समझिए कि आपको मतलब बहुत तेजी से आप पानी जो है गुब्बारे में नहीं भर सकते हैं, और अगर आप गुब्बारे से पानी जब विड्रॉ करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत तेजी से आप जो है पानी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बहुत तेजी से अगर आपको पानी विड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आपका गुब्बारा जो है वो फट जाएगा। तो सोडियम आयन बैटरी को आप एक गुब्बारे की तरह समझ सकते हैं कि उसमें लेड एसिड बैटरी की तरह ही बहुत लो आपको एनर्जी डालनी है, बहुत तेजी से आप एनर्जी नहीं डाल सकते हैं, बहुत फास्ट एनर्जी नहीं डाल सकते हैं, मतलब कि उस बैटरी को बहुत ज्यादा तेजी से आप चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है वो आपकी कैन की तरह है कि कैन को इमीडिएटली आप चाहें तो इमीडिएटली फिल कर सकते हैं और इमीडिएटली चाहें तो इमीडिएटली खाली कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उसमें आपको 1C 2C 5C तक बैटरी आपको इजी अवेलेबल है, जो कि 15 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है। पर सोडियम आयन बैटरी में इस तरह का सिनेरियो जो है वो नहीं है। इस बैटरी को ना तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं और ना ही फास्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज के मामले में भी सोडियम आयन बैटरी लिथियम फॉस्फेट के सामने कहीं नहीं टिकती है। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आपको हाई चार्ज या हाई डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई कमर्शियल आपकी एप्लीकेशन है, कोई बिल्डिंग है जहाँ पे शॉर्टन आपके जो ग्रिड के ट्रिप्स रहते हैं, या फिर आपकी कार है, कार में आपको बहुत तेजी से इमीडिएट जो है वो रिफ्यूलिंग चाहिए, तो सोडियम आयन बैटरी के साथ में इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नहीं बनती हैं। वहाँ पे आपको लिथियम आयन या फिर लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी वोल्टेज की। तो वोल्टेज में जो सोडियम आयन बैटरी है वो लो वोल्टेज होती है, बाकी लिथियम जो आयन बैटरी है वो हाई वोल्टेज होती है। तो अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन के लिए बैटरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं जहां पे आपको हायर वोल्टेज चाहिए और आपको कम जगह में चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आप लिथियम आयन के साथ में जाइएगा। सोडियम आयन बैटरी के जो वोल्टेज है वो लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले बहुत कम होता है। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। तो अगर आप हम सोडियम आयन बैटरी को कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरी के साथ में, तो लिथियम आयन बैटरी के जो आपको नॉर्मली लाइफ साइकिल मिलेगा वो करीब 700 से 1000 जो साइकिल है वो करीब आपको लिथियम आयन बैटरी में मिल जाता। तो सोडियम आयन बैटरी में भी आपको जो लाइफ साइकिल है वो करीब 600 से और 800 900 तक आपको मिल जाता है। पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी से अगर आप लोग कंपेयर करें तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में 3000 से लेकर आपको 5000 लाइफ साइकिल तक की बैटरी जो है वो आराम से मिल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको ऐसा कोई आप प्लान कर रहे हैं कि एक बार आपकी बैटरी लग जाए 10-15 साल तक आपको देखना ही ना पड़े, तो लॉन्गर आपको वारंटी मिल जाए, तो फिर आप सोडियम आयन बैटरी के साथ में नहीं जा सकते हैं। आपको अगर हायर वारंटी चाहिए तो लिथियम फॉस्फेट में आपको 5 से 10-15 साल तक की वारंटी मिलती है। नेक्सस खुद अपनी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे 15 साल की वारंटी ऑफर करता है। तो सोडियम आयन बैटरी में अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं कि आपको बहुत हाई वारंटी मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे ये सुन के कि उसमें आपको लेड एसिड बैटरी के बराबर या उससे कम जो है वारंटी मिलने वाली है। अब यहीं पे हम लोग डिग्रेशन की बात कर लें, तो अगर एक सोडियम आयन बैटरी को हम फुली चार्ज करके रख दें और एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को हम लोग फुली चार्ज करके रख दें और हम करीब 6 महीने बाद बैटरी को चेक करें, तो सोडियम आयन बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी होगी और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी हो सकता है कि 1% या 0.5% डिग्रेड हुई हो। तो सेल्फ डिग्रेशन की बात करें तो सोडियम आयन जो बैटरी है उसका सेल्फ डिग्रेशन ज्यादा है लिथियम फॉस्फेट बैटरी से। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में सेल्फ डिग्रेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार अगर आपने लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की एमसीबी बंद कर दी और आपने 3 साल बाद आके अपनी लिथियम फॉस्फेट बैटरी को ऑन किया, तो संभव है कि आपकी बैटरी 70-80% या उससे भी ज्यादा आपको चार्ज मिल जाए, पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी आपको ऑलमोस्ट 0 मिलने वाली। तो सेल्फ डिग्रेशन के मामले में भी सोडियम जो आयन बैटरी है लिथियम फॉस्फेट बैटरी के सामने लिथियम फॉस्फेट बैटरी को टक्कर नहीं दे पाती है। अब अगर हम लोग सेफ्टी पे बात करें तो लिथियम आयन जो बैटरी है वो काफी जो है वो ज्वलनशील है, और आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे इस तरह की वीडियोस आपने देखे हो सकते हैं कि उस स्कूटर में जो है वो आग लग गई या उस कार में आग लग गई, उसमें लिथियम आयन की बैटरी डली थी। तो लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट ये दोनों सेपरेट अलग अलग टेक्नोलॉजी है और अलग अलग केमिकल से ही दोनों बैटरी को बनाया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी में जो उसकी जलने की संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी में जो उसकी जलने की संभावनाएं हैं वो ना के बराबर होती है। तो लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सेफ्टी के मामले में 99.99% तक सुरक्षित है,
पर लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित बैटरी नहीं है। तो सोडियम आयन बैटरी को अगर मैं लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करूं तो सोडियम आयन जो बैटरी है वो ज्यादा सेफ्टी जो है वो देती है एज कंपेयर टू लिथियम आयन। पर अगर लिथियम फॉस्फेट बैटरी से मैं कंपेयर करूं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी एक सेफ बैटरी है, उसी तरीके से सोडियम आयन भी एक सेफ बैटरी है। अब सोडियम आयन जो बैटरी है वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में बहुत ज्यादा हाई अनएक्सपेक्टेड ही हीट जो है वो जनरेट कर सकती है। तो अगर अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस की हम लोग बात करें तो वहां पे लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है वो ज्यादा सेफ्टी हम लोगों को देती है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। पर जनरल कंडीशन में सोडियम आयन बैटरी एक सेफ बैटरी मानी जाती है। अब बात करें रिसाइकिलिंग की, तो रिसाइकिलिंग जो है वो दोनों बैटरी का ही पॉसिबल है। और लिथियम जो फॉस्फेट बैटरी है उसकी जो उसकी रिसाइकलिंग वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। दोनों ही बैटरियों को नॉर्मली जो है वो रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। दोनों ही बैटरियों को रिसाइकलिंग करने के लिए एक रिसाइकल प्रोसेस से बैटरी को गुजरना पड़ेगा। और किसी भी बैटरी को मिस हैंडल अगर किया गया तो दोनों ही बैटरी खतरनाक हो सकती हैं। तो रिसाइकलिंग के मामले में दोनों ही बैटरियां बेजोड़ हैं और दोनों ही बैटरियों को रिसाइकल करके नई बैटरी बनाई जा सकती है। अब बात कर लें प्राइसिंग की, तो डेफिनेटली प्राइसिंग में सोडियम आयन जो बैटरी है वो यहाँ पे लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट बैटरी को धराशायी कर देती है। अभी तक की जो रिसर्चेस हैं और जो अभी तक के जो प्राइसिंग निकल के आई है उसके अनुसार सोडियम आयन जो बैटरी है उसकी कीमत जो है लिथियम आयन बैटरी से कम पड़ने वाली है। सोडियम आयन बैटरी को डोमेस्टिक में अगर आप यूज करना चाह रहे हैं अपने घर के लिए, जहां पे स्पेस का इशू नहीं है, बहुत हाई चार्ज डिस्चार्ज आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं चाहिए, तो सोडियम आयन एक रीजनेबल रेट में एक रीजनेबल जो है वो ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। पर अगर इसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी की हम लोग बात करें तो आने वाले कम से कम 3 से 5 साल सोडियम आयन बैटरी को इंडिया के मार्केट में आने में लगने वाले हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी आज ही आपको इंडिया में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है। आप इंडिया में किसी भी शहर से रहते हो मोस्टली आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी जो है वो आपको मिल जाएगी। पर सोडियम आयन बैटरी की कमर्शियल अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। दुनिया में कुछ ही सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो सोडियम आयन बैटरी डोमेस्टिक और कमर्शियल जो मॉडल्स हैं वो बना रही हैं और उनका मास प्रोडक्शन करने में अभी एक लंबा समय लगने वाला है। अब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में लिथियम आयन बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो मुश्किल है, पर सोडियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन जो है वो आसान है, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो इंडिया में इजी अवेलेबल है। पर लिथियम बैटरी को बनाने में जो मटेरियल लगने वाला है वो इंडिया में ना तो इजी अवेलेबल है और ना ही इतने पैरामीटर्स के साथ में बना पाए। तो अगर सोडियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और हम लोगों को लेड एसिड बैटरी से किसी बैटरी को कंपेयर करना है तो सोडियम आयन बैटरी एक अच्छा विकल्प हमारे भविष्य के लिए साबित हो सकती है। पर करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए अभी हमें 3 से 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो लोग भी इस तरह का वेट कर रहे हैं कि सोडियम आयन बैटरी आने वाली है और सोडियम आयन बैटरी के साथ में अभी हम अपनी जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसको रिप्लेस करेंगे, तो उन लोगों को अभी उस बैटरी को लेने में एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आप लोग खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी बैटरी जो है वो बेस्ट रहने वाली है फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल और आपके डोमेस्टिक यूज के। सोडियम आयन बैटरी से रिलेटेड अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको सोडियम आयन बैटरी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और साथ ही ये भी लिख के बताएं कि आपको मेरा ये कंपेरिजन कैसा लगा। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।